हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हैं और ये भी उस दिन बड़े पुरजोर तरीके से मांग कर रहे थे कि जो एलजी विनय कुमार सक्सेना हैं वो जिस समय खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे उन्होंने नोटबंदी के दौरान घोटाला किया है, पुराने नोट बदले हैं और इस बाबत ये भी उन विधायकों में शामिल थे जिन्होंने पूरी रात विधानसभा में धरने के तौर पर बिताई थी। सर आप लोग क्या अब क्या डिमांड है? देखिए ऑलरेडी पिछले 3 दिन से हम लोग ये कह रहे हैं कि एलजी साहब जो जब खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष थे नोटबंदी के दौरान उन्होंने पूरे देश में जितने भी खादी ग्रामोद्योग के सेंटर हैं सब नोट की अदला बदली करी। दो कैशियर ऑन ओथ ये कह रहा है कि इसमें खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष का के कहने पे हमने ये नोट की अदला बदली करी। जांच एलजी साहब खुद ही अध्यक्ष थे, अपनी अध्यक्षता में जांच कर लेते हैं, इसे नेचुरल जस्टिस कहाँ से हुआ? तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, लगभग 1400 करोड़ का घोटाला है और सिवाय इसकी जांच करें ताकि सच जनता के सामने आए। तो मुझे लगता है कि लगातार 3 दिन इस बात को हम लोग कह रहे हैं, पता नहीं घबरा क्यों रहे हैं, आखिर जांच से बच क्यों रहे हैं। तो सीबीआई तो ऑलरेडी इस मामले की जांच कर रही है? नहीं, सीबीआई ने तो क्लीन चिट दे दिया, सक्सेना जी का नाम भी नहीं दिया। मैं कहता हूँ ऑन ओथ जो कैशियर कह रहा है कि हमने चेयरमैन के कहने पे, चेयरमैन के आदेश पे नोट की अदला बदली हुई, सीबीआई की जांच में कहीं उनका नाम ही नहीं है। तो हम कहते हैं उनका नाम शामिल करो। देखिए दो चीज़ें थी, जो दो कैशियर ने इस बात को जाकर सस्पेंड कर दिया गया, जिन दो फ्लोर मैनेजर का नाम था उनका प्रमोशन दे दिया गया, बल्कि एक को राजस्थान का इंचार्ज बना दिया गया और बीके सक्सेना जी का नाम ही कहीं नहीं है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बहुत बड़ा कॉलिजन था और इसमें हमारी यही मांग सक्सेना जी को नाम को शामिल करके उसकी जांच किया जाए। तो क्या आप लोग इस संबंध में कोर्ट भी जाएंगे अगर उनके खिलाफ जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं? हमारा ये अधिकार है कि हम इस बात का अपना प्रोटेस्ट करें। दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है और दिल्ली के LG वीके सक्सेना जी हैं जो केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में इनसे ईमानदार आदमी कोई नहीं मिला। तो अगर कोई एक भ्रष्ट अधिकारी दिल्ली का LG होगा तो दिल्ली में कैसे ईमानदार व्यवस्था को उम्मीद रख सकते हैं आप? इसीलिए इस बात को हम लोग हाउस में भी उठा रहे हैं, हम लोग CBI के से भी जाकर कहेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और जिस फोरम पर जाने की जरूरत पड़ेगी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? अभी अब देखिए वो स्ट्रेटजी तय करेंगे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली के सभी विधायक, दिल्ली के 62 विधायक ये कह रहा है कि इनकी जांच हो, तो मुझे लगता है कि ये बात प्रधानमंत्री को मानना चाहिए। अगर नहीं माने देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो सिद्धांत